राजस्थान में 23 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद अब टिकट कटने वाले नेताओं का विरोध भी सामने आने लग गया है। राजस्थान के भरतपुर में नगर विधानसभा टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अनिता सिंह और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार बीजेपी के सामने अपनी निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। दरअसल बीजेपी से टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक अनिता सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वही बता दें कि अनिता सिंह बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। इस दौरान अनिता सिंह 2008 और 2013 में विधायक रही, जबकि 2018 में अनिता सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इसके चलते इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उधर टिकट कटने से खफा अनिता सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, मेरे पास नगर विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूं। मैं अभी जयपुर हूं। जैसे ही मैं आप सभी के सामने उपस्थित होंगी, उसके बाद अपने मन की बात आपके बीच रखूंगी। इस पर आपका जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पर होगा। इधर अलवर में भी सांसद बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने से तिजारा से पूर्व विधायक मामन यादव ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां मामन यादव ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि तिजारा से बाबा बालकनाथ को टिकट मिलने से स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने कहा है कि बालकनाथ को अचानक तिजारा की जनता पर थोपा गया है, इससे तिजारा की जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि जनता की महापंचायत ने उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। इधर उनके समर्थक स्थानीय लोगों ने कहा है कि बाबा की पेटी यहां से खाली हो जाएगी। संजौर में भी पार्टी ने सांसद पर दाव खेला है। यहां पार्टी ने देवज पटेल के नाम पर मुहर लगाई है। लिहाजा बीजेपी के पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दीनाराम चौधरी ने विरोध जताया है। दोनों बीजेपी नेताओं के समर्थकों ने बताया जा रहा है कि यहां पर सभा की है। इस दौरान उन्होंने पार्टी से नाराजगी जताते हुए टिकट बंटवारा दोबारा करने के विचार की मांग की है।